फर्नीचर वाले के पैसे भी देंगे, पापा कहाँ से बाहर आएंगे? मासी मुझे यहाँ आए हुए 2 महीने हो गए। समझी नहीं, तुम्हारे 2 महीने यहाँ आने से पापा के छूटने का क्या संबंध? मतलब पलाश ने आप लोगों को पैसे नहीं दिए पापा को छुड़ाने के लिए? पलाश नहीं तो पलाश वापस नहीं है? कह के गया था कि कुछ बिजनेस डील करने जा रहा है, कुछ पैसे मिलेंगे तो आनंद को छुड़ा के लेके जाएगा। हमने बहुत कोशिश की पता लगाने की वो कहाँ है, तो किसी को कुछ पता नहीं। पलाश वापस नहीं आया? मासी, पलाश की मासी को तो कुछ पता होगा ना? नहीं, वो भी तीर्थ यात्रा की चली गई, वो भी नहीं है यहाँ पे। पलाश को लौटने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? सब बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये जेल है निम्मू, तुम्हारे जीते जी तुम्हारे वजूद खत्म हो जाता है। यहाँ आने के बाद तुम्हारे पति भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देता है। क्या बात है निम्मू, तू इतनी परेशान क्यों है? कुछ नहीं मासी। मेरा पलाश मुझसे मिलने जरूर आएगा। कहाँ चला गया पलाश? 2 महीने हो चुके हैं और उसका कुछ पता नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आया है, मुझसे मिलने भी नहीं आया। अपने परिवार से तो उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन मैंने पलाश के आने की उम्मीद जरूर की थी। क्या हुआ होगा? कहीं पलाश किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? निम्मू चलो मेरे साथ। चलो गया था ना? हाँ, पर अब ये वापस आ गया है। मिस्टर पॉल इसे लेके आए, जानती हो क्यों? क्योंकि ये डायमंड फेक है, ये नकली है निम्मू, और अब ये सिर्फ तुम बता सकती हो कि ये डायमंड फेक क्यों है। ये वही डायमंड है ना जो तुमने मुझे दिया था? निम्मू अब तुम सीधी तरीके से अपनी कहानी बताती हो या पुलिस तुम्हें अपनी तरीके से पूछे? बताओ निम्मो। ये डायमंड फेक है। ये कैसे हो सकता है? तू कहीं पलाश ने इस हीरे पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है, और ये इनाम मुझे मिलेगा जो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। पलाश तुम्हारे पास चोर भी है और चोरी का माल भी। पलाश तुम्हें मुझे पुलिस के हवाले करना होगा। पलाश? पर पलाश ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा, जरूर कहीं गलती होगी। चुप क्यों? बोलो निम्मो, तुम्हें क्या लगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। मुझे जैसा हीरा मिला था मैंने वैसे ही आपको दे दिया। ये हीरा फेक कैसे हो सकता है? ये डायमंड सिर्फ 100% डायमंड लगता है, पर लगता है नहीं, शीशे का टुकड़ा है ये। मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारा यकीन कर लूं मैं? एक चोर का यकीन कर लूं? अरे जिन लोगों ने तुम पे भरोसा किया तुमने उन्हें क्या दिया? धोखा दिया निम्मो, धोखा। सीधी तरह से बता दो निम्मो, डायमंड कहाँ है?
मुझे नहीं पता, मैंने डायमंड नहीं छुपाया है, मुझे तो असली नकली डायमंड के बारे में कुछ पता नहीं। तुम जैसे चोरों का दिमाग पढ़ना अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। पहले तुमने डायमंड चोरी किया, उसके बाद डायमंड को छुपा दिया और नकली डायमंड के साथ पुलिस को फोन किया ताकि पुलिस जब तुम्हें पकड़े तब पुलिस को ये नकली डायमंड मिले और तुम्हें 1-2 साल की सजा हो जाए, उसके बाद तुम छूट जाओ और इन्हीं पैसों से ऐश कर सको। शातिर चोर हमेशा सफाई के साथ चोरी करता है और ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है निम्न, 250 करोड़ की चोरी है, 250 करोड़ की, और इसी 250 करोड़ के चक्कर में तुमने डायमंड बदल दिया। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया निम्मू? ये काम सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं, या तुम या वो शख्स जिसने मुझे फोन करके तुम्हारा पता दिया। ये डायमंड उसी के पास होगा या फिर तुम्हारे पास। कौन है वो आदमी निम्मू, बताओ कौन है? मुझे किसी भी तरह पलाश को बचाना ही होगा, जरूर किसी और ने धोखे से डायमंड बदल दी होगी जब वो पलाश के पास थी। हाँ, उसी वक्त ये हुआ होगा और पलाश को पता भी नहीं चला होगा। आखिर कितना नर्वस था वो उस वक्त। मैं पुलिस को उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। देखो, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी तुम। बताओ उस आदमी का नाम। पता नहीं कौन था, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, मैं उसका नाम भी नहीं जानती, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। कोई अजनबी था। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो, पर एक बात याद रखना नहीं, मेरा नाम भी एसीपी वैद्यराज है। सच तो मैं तुमसे उगलवा के ही रहूंगा, और अब देखना तुम्हारे दिन रात कितने लंबे हो जाएंगे। तुम मौत मांगोगी लेकिन तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी निम्मो। मौत तो बिना बुलाए मेरे दरवाजे पर खड़ी है, शायद सही वक्त का इंतजार है उसे। तब तक मैं हर तकलीफ सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पलाश पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। पलाश ही वो दूसरा शख्स था, ये रास्तों में अपने दिल में लिए ही मरूंगी। अपना मुंह मैं कभी नहीं खोलूंगी, कभी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया है। चुप रह, तू चुप बैठा मत कर, झूठ बोल रही है। समझती क्या अपने आप? मुझे कुछ नहीं मालूम। से मुझे परेशान किया तूने, कितना कितना टाइम हो गया। चल तू, अरे खींच के लेना उसके, उठाना। चल चल, कुछ बताया इसने? नहीं सर, कुछ नहीं बता रही है। देखो उसे, मुझे पागल कर दिया। ठीक है, ले जाओ इसे। खड़ी रह, चल, नाटक कर रही है, खड़ी हो जा, चल सीधी खड़ी हो जा। सर, कितने हफ्तों से पूछताछ चल रही है निम्मो से, फिर भी हमें कुछ पता नहीं चला। इतने टॉर्चर के बाद तो हार्डकोर क्रिमिनल्स भी टूट जाते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? सर, मुझे तो लगता है कि उसे वाकई नहीं मालूम कि असल में डायमंड किसने बदली है। इसका मतलब है अगर निम्मो ने ये काम नहीं किया तो ये काम उसी आदमी का है जिसने निम्मो को हमारे हवाले किया था। 100% डायमंड उसी ने लिया है। पर सर, उसे हम ढूंढेंगे कैसे? निम्मो तो कहती कि वो उसे जानती तक नहीं, और हमने भी उसे नहीं देखा। एंड सर, जिस फोन से उसने हमें कॉन्टेक्ट किया था ना, वो सिम कार्ड भी चोरी का था, और उससे भी हमें कुछ पता नहीं चला। मुझे तो लगता है वो शख्स अंडरग्राउंड ही हो गया बिना कोई निशान छोड़े। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम समझ रहे हैं उससे ज़्यादा गहरी साजिश है इस डायमंड को चोरी करने में और उसको बदलने के पीछे। कुछ तो गड़बड़ है इस केस को लेकर, कोई कड़ी गायब है तराना। लेकिन क्या एक ही बात मालूम नहीं, अगर यही पता होता कि पलाश ने निम्मो से चोरी करवाई है तो इस वक्त जेल में निम्मो की जगह पलाश खड़ा होता। कोई सबूत है मेरे पास और ना ही पलाश का पता पता, और तो और निम्मो भी इस बारे में मुझसे कोई बात करना नहीं चाहती। कुणाल, नताशा आई है। मेरे बहुत समझाने के बाद वो तैयार हुई है आने के लिए। तुम मिलोगे ना उसे?
कुणाल, मैं जानती हूँ कि तुम निम्मो को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते, लेकिन नताशा तुम्हारी बीवी है। वो सब कुछ भुलाकर यहाँ पे वापस आई है। तुम्हें उसे एक और मौका देना होगा। कुणाल, तुम्हें एक बार दिल से कोशिश करके इस शादी को बचाना होगा। नताशा, नताशा, पता नहीं मैं क्या कहूँ तुमसे। I'm really sorry. मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। It's okay. मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि दादी चाहती है कि हम अपनी शादी को एक और मौका दें। I hope कि इस बार हम कामयाब हों। ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हें पूरा हक है इसका फैसला करने का, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी। जिंदगी बहुत छोटी है, जब तक कि हम समझ सकते हैं ख़त्म हो जाती है। कम लोगों को सेकंड चांस दिया जाता है। तुम दोनों को एक और मौका मिला है, इसको गवा मत देना। सुनिए मैडम, मैडम मुझसे कोई मिलने आया? नहीं, तुमसे कोई मिलने नहीं आया। मेरे पास वक्त जाने के लिए कोई वॉच नहीं। दिन हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में, और दिन गिनने के लिए भी अब दीवारों पर जगह नहीं बची थी। वक्त की रफ्तार का एहसास बस इस छोटी सी खिड़की से होता है, जब एक धूप का टुकड़ा सुबह बनकर उतर आता है। और दिन गिनते गिनते मैंने मौसम बदलने का एहसास भी किया, साल बदलने का भी। मुझे लगता है वक्त एक खास अंदाज में अपना एहसास करवाता है। वो घड़ी की सुई डिजिट्स या एएम और पीएम से नहीं, वो अपना एहसास दिलाता है हवा में आई हल्की सी ठंडी चुभन से, आसमान से टपकती पानी की बूंदों से, हवा के बदले रुख से। लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे फिर भी नहीं मिला था कि मेरी जिंदगी में बदलते मौसम के पीछे वजह क्या है। मैं मौत के करीब जा रही थी, फिर भी पता नहीं कब मौत की अनिश्चितता मेरी जिंदगी की निश्चितता बन गई थी और मेरे परिवार की निश्चितता मेरी अनिश्चितता बन गई। मैंने माँ पापा के यहाँ आने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन पलाश के आने की उम्मीद तो की थी। यकीन था कि वो आएगा, पर उसका फोन तक नहीं आया। वो है कहाँ ये भी नहीं पता। पलाश ठीक तो है? हे भगवान, वो जहां भी है बस उसे सही सलामत रखना। एक बार मैं उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार मेरे कानों में उसकी आवाज पड़ जाए। निमो, देखती क्या है? चल चल, तेरा फोन आया है। अरे चलना, खड़ी हो ना। अरे येड़ी है क्या? चलना, काम पे लगा दिए, धीरे चल। ऐसे जैसे अभी जेल के बाहर भाग के जाएगी। खिट खिट, वो देख उधर फोन पड़ा है। अब फटाफट बात करना, ज्यादा देर नहीं। पलाश, निमो कुणाल बोल रहा हूँ। कुणाल, तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कुणाल, निमो मैं बस तुम्हें विश करने। कुणाल, मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं जानती हूँ तुमने मुझे क्यों फोन किया है, मेरी इस हालत पर हंसने के लिए। कि देखो, पलाश तुमसे जेल में मिलने तक नहीं आया और वो तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन मिस्टर कुणाल सहगल
ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। हाँ। वो गायब है, लेकिन वो जरूर किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया होगा। पलाश मुझसे किया वादा कभी नहीं तोड़ सकता। हाँ कुणाल, मैं जानती हूँ कि तुम हम दोनों के बीच गलत फहमी पैदा करना चाहते हो। तुम उससे नफरत करते हो ना, और पलाश से बदला लेने का एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहते। तुम्हें क्या लगता है कुणाल, कि जेल में रहकर मैं कमजोर हो गई हूँ? तो तुम गलत सोचते हो। पलाश के खिलाफ जहर उगाल कर तुम हम दोनों के बीच दरार पैदा करना चाहते हो? नहीं कुणाल, मैं तुम्हें अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम भूल तो नहीं गई ना, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें विश करने के लिए फोन किया था। ऐसे खास दिन पर जो अकेले रहते हैं वो लोग बहुत बदकिस्मत होते हैं निम्मो। तुम तो मुसीबत में भी हो, बस तुम्हें ये याद दिलाना था कि इस दुनिया में कोई है जो अब तक तुम्हें भूला नहीं है। आज भी कोई है जो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर जीता है। मैडम, अगली बार कुणाल सहगल का फोन आए तो मुझे कभी मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। उलझी हुई है मेरी राहें, इस तरह ढूंढूं कहां मंजिल मेरी अब खो गई। तुमने दिए जो वो हम भी प्यारे हैं, क्या थी मेरी जिंदगी और क्या हो गई। जीने के सहारे खो गए मुझसे अब किनारे खो गए, जीने के सहारे खो गए मुझसे